हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? ये देखिए, हम अभी सुबह का सब नाश्ता उस्ता बना लिए, नाखून कटने हैं, फिर टॉफी में रखा है। अभी सुबह का 9 बज गया है, नाश्ता उस्ता सब बना लिए हैं। नाश्ता उस्ता करके हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिए, लड़का नहीं आया, उसको खाने का मन नहीं है। सुबह हम लोग भी माँ बेटी आज नाश्ता कर लिए हैं। जाके यहाँ सो गया, ये नीचे ही सोता है, टेबल के नीचे, नहीं तो कुर्सी के नीचे ऐसे ही सोता है। छोटा डॉगी तो नहीं है, कहाँ चला गया पता नहीं, ऊपर में पूरा कहाँ सोया है, छत के ऊपर सोया है। देखिए मेरा बेटी अभी घर पहुँच रही है, आज जल्दी पहुँच रही है, घर पहुँच रही है। टफी किसको देख रहा तुम? हाँ, किसको देख रहा? कढ़ाई को रखी है, इधर मछली फ्राई बैठ गए हैं, सजना डंठा और आलू का झोल बनाएंगे और करेला आलू का फ्राई बनाएंगे। बेटी मेरा कोचिंग जा रहा है अभी, चले गया। छतरे फुटाती जा रही है, मेरा भी आज खाना उना बन गया जल्दी से। आज थोड़े जल्दी खाना उना बनानी है, कपड़ा बहुत है, कपड़ा धोएंगे इसीलिए जल्दी खाना बनानी है। देखिए हस्बैंड और ये बेटा ना, वो लोग शाम को आते हैं, वो माँ बेटी आप लोग पूछिएगा, जो आप ही लोग दोनों कल खाते रहते, वो लोग नाश्ता करके टिफिन में ले जाते हैं, शाम को आते हैं। और हम लोग अभी लंच में बैठे हैं, आज आप लोग को दिखाए नहीं, आलू और सजना डंठा मछली का सब्जी करी है और करेला भुंजिया, काल का सब्जी है,
इधर आलू पकौड़ का भी सब्जी है, टॉफी के लिए अभी टॉफी के लिए सान रहे हैं। हम लोग खाना खाएंगे अभी। अभी 2 बजे बेटी अभी कोचिंग से आई है, बेटी एक तो फूल पेड़ लेके आया है, दिखाएंगे आप लोग को। फूल फूल का ठेला लगा था, देखिए हम सूजी का ककड़ा बना रहे हैं। हम 3 कप पानी दिए हैं, इस कप में 3 कप पानी दिए हैं, इसमें 4 कप सूजी लिए हैं, 2 कप चीनी लिए हैं, और थोड़ा नारियल का नारियल को पूर के थोड़ा 4 पीस इलायच लिए हैं। इसमें थोड़ा रिफाइन दे देंगे तब ना ये नहीं होगा। दूध भी दे देंगे इसमें तो वो बोलेगा। एक कप दूध दिए हैं, दूध में ही था, घर में जो दूध का वो दिए हैं। इसमें चीनी दिए हैं 2 कप, 4 कप सूजी दिए हैं, इसीलिए 2 कप चीनी दिए हैं। ये उबलेगा, ये उबलते रहेगा, इसमें इलायच दे देंगे और नारियल जो हम पूर के रखे, मेरे पास मशीन है नारियल कूदने वाला, वही दे देंगे। फिर उसके बाद सूजी देंगे। इसको हम लोग सूजी का ककड़ा बोलते हैं। ये देखिए जो नारियल कूट के रखे थे ये दे दिए, उसका सब इलाच भी जो अलग इसके रखे थे उसको 4 गो इलाच वो भी दे दिए हैं। सूजी डालेंगे, सूजी उबल जाएगा पूरा, ये हो जाएगा आटा जैसा, सानते नहीं है इससे टेप हो जाएगा। के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे, नीचे ठंडा हो जाएगा तब इसको आटा जैसे सानते हैं, इसको थोड़ा सानेंगे। उसके बाद हम लोग को दिखाते हैं, देखिए इसको आटा जैसे पूरा एकदम सान करके पूरा मुलायम बना दिए हैं। 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही साने इसको, उसको कढ़े बैठा दिए हैं। सादा तेल डालेंगे, थोड़ा मुलायम करना पड़ता है तब जाके थोड़ा फूलता है। इसको सूजी का ककड़ा बोलता है, इसको सूजी का ककड़ा बोलता है। हिंदी में क्या बोलते नहीं जानते हैं, बंगाली में सूजी का ककड़ा बोलते हैं। ये मेरा मम्मी बनाती थी, वहीं से सीखे हैं हम। इसको छोटा छोटा खुली का आकार लेंगे और फिर उसमें छानेंगे।
देखो ना कितना मुलायम हो गया, इसको छाने तब जगह मुलायम, आटा जैसे नहीं छानते हैं वैसे। तो ये देखिए इसमें नारियल दिए हैं और जो दूध दिए नहीं इसमें क्रिस्पी होगा, बहुत कुरकुरा टाइप का होगा, खाने में बहुत स्वाद है, आप लोग भी बनाइएगा इसका अंदर। और एक दिन दिखाएंगे नारियल और गुड़ का जो, नारियल और चीनी का जो पूर बनाते हैं हम लोग, इसका अंदर में ऐसे ऐसे करके इसका अंदर में दे के उसको भी छानते हैं, बड़ी स्वाद आता है। ये देखिए हम लोग का घर का बगल में ना उषा कंपनी, अभी टिस्को ले लिया इसको, ये देखिए बहुत बड़ा कंपनी है, ये बगल में ही हम लोग का है। उषा कंपनी है टिस्को, उसको अभी ले लिया लाया बोल के। ये देखिए मेरा बेटी कोचिंग गई थी टॉप सह लाया, देखते हैं फिर लाके भरेंगे। पानी दे दिए अभी, सवेरे टाइम नहीं मिला इसीलिए पानी नहीं दिया, अभी आए थे तो पूरा हर पेड़ में पानी दे दिए। अभी रात को 10:30 बज चुका है, हम लोग खाना खा लिए हैं, बर्तन वर्तन धो धा के रख दिए। मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, कल का न्यू ब्लॉग में आप लोग के साथ मिलती हूँ। गुड नाइट।